हाय गाइस, इट्स नीलम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रिस्ट बैंड, क्योंकि फ्रेंडशिप डे भी तो आ रहा है। उसके लिए आपको एंकर थ्रेड लेने हैं दो कलर के और 5 फिट, जिसको हम फोल्ड करके यूज़ करेंगे। मैंने पिंक और वाइट यूज़ किया है और फोल्ड करके इस तरह से सरफेस पे टेप की मदद से स्टिक करेंगे। तो मेरे पास 4 वाइट और 4 पिंक थ्रेड आएंगे इस तरह से। अब सभी धागों को इस तरह से अलग करेंगे। मैंने प्रोसेस को थोड़ा इजी करने के लिए और शूट करने के लिए सभी थ्रेड के एंड को भी टेप से स्टिक किया है। जिस भी धागे की ज़रूरत होगी, मैं उस धागे का टेप हटाकर उसको यूज़ करूँगी। हम इन 8 थ्रेड को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 4 लेफ्ट 4 राइट। तो ब्रेसलेट को स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले ये वाला धागा उठाऊंगी, जो कि वाइट कलर का है। इसको मैं इसके साथ वाले जो पिंक कलर का धागा है उसके नीचे से 4 बना के, जैसे हम मैथ्स में 4 लिखते हैं उस तरह से 4 बना के पिंक वाले धागे के नीचे से ले जाके नॉट बनाऊंगी। हम हमेशा 2 नॉट बनाएंगे, यानी कि ये सेम प्रोसेस मैं एक बार और करूँगी। ध्यान रहे, जब भी आप सीधा 4 बनाएंगे राइट साइड से बनाएंगे तो हम राइट साइड पे जाएंगे, और जब हम लेफ्ट साइड के यानी उल्टा 4 बनाएंगे तो हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ हम कलर्स का भी ध्यान रखेंगे कि हमें कलर कौन सा यूज़ करना है। और लेफ्ट और राइट साइड को जॉइन करने के लिए हम किसी भी नॉट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो सीधा 4 बनाएं या तो उल्टा 4 बनाएं। जो भी डिज़ाइन हम लेफ्ट साइड पे बनाएंगे या फिर नॉटिंग जो भी हम करेंगे, वो ही हम राइट साइड पे भी करेंगे, क्योंकि हमें हार्ट शेप बनानी है और हमारा डिज़ाइन जो है वो सिमेट्रिकल है दोनों साइड पे। अब आप बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। जिस तरह से मैं जो धागा उठा रही हूँ, आप उसी धागे को प्रोसेस करते रहेंगे तो आपका ब्रेसलेट बन जाएगा।
इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए मैंने 5 फीट के धागे यूज़ किए हैं, जिसको फोल्ड करके 2.5 फुट हो गया है और मेरी रिस्ट कवर हो जाएगी। मैंने थोड़ा कम बनाया है और एंड में मैंने फास्टनिंग्स यूज़ करी हैं। अगर आप चाहें, आपके पास फास्टनिंग्स ना हो, तो आप इसको और बढ़ा सकते हैं, यानी 3-4 दिल और बना सकते हैं, जिससे आपकी पूरी रिस्ट कवर हो जाएगी और एंड में जो धागे बचेंगे वो आप नॉटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब ब्रेसलेट को बांधने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।